प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी एवं भूपेश बघेल में भारी समानताएं। ऐश्वर्या पालश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। ऐश्वर्या सम्मान समारोह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही ये बातें। कोमा खान क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कोमा खान की बाल पत्रकार ऐश्वर्या पांडेय को बालश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उक्त सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अपने बाल्यकाल से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाली ऐश्वर्या को बालश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस बाल पत्रकार को प्रेरणा पिता भास्कर राव पांडेय से मिली है और ऐश्वर्या बताती हैं कि इन्हें आसपास की समस्या जनहित से जुड़ी घटनाओं पर खबर बनाना अच्छा लगता है। वहीं ऐश्वर्या ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में समानता बताते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग चाचा नेहरू बोलते थे, वहीं आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लोग काका बोलते हैं। वहीं ऐश्वर्या ने भूपेश बघेल की योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की योजना की सराहना की है। बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलने से सभी तबके के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वहीं ऐश्वर्या का कहना है कि जब भी मुख्यमंत्री जी बागबाहरा ब्लॉक के दौरे में आते हैं तो मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूं, ताकि उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को पूरी दुनिया जान सके। आइए सुनते हैं ऐश्वर्या ने क्या कहा। आज मुझे छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, क्योंकि आज बाल दिवस है। आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्म दिवस है, जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे भी उनको प्यार से चाचा नेहरू कर पुकारते थे। इत्तेफाक से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बच्चे व उनकी सारी जनता उन्हें प्यार से कका कहकर पुकारती है। उन्होंने हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल जैसी ही योजना नई योजना का मूर्त रूप दिया है। जब भी वो कोमा खान किताब दौरे में आते हैं तो मैं उनके इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ताकि उनकी कार्यों में जिन्होंने हम बच्चों के लिए किया है उसे मैं सारी दुनिया को बता सकूँ।